नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक बेसिक्स ऑफ पेंट के बारे में। बेसिकली हम समझते हैं पहले कि पेंट क्या होता है। देखिए, पेंट इज़ ए केमिकल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड ब्यूटीफाई ऑफ सरफेस। पेंट क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण है जो कंपोनेंट को सुंदरता और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सेकेंड, दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स: रेजिन, पिगमेंट, एडिटिव एंड सॉल्वेंट। रेजिन क्या होता है? पेंट के अंदर जो उसका बिंडर का काम करता है, वो चिपचिपाहट होती है, उसको बोलते हैं। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट पाउडर फॉर्म में होता है। ये जिस कलर का पिगमेंट पेंट में डाला जाएगा वो उसी कलर का पेंट तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली रंग देता है। उसके बाद आता है एडिटिव। एडिटिव का काम करता है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी पेंट के अंदर जब भी पेंटिंग रिएक्शन होता है किसी भी, चाहे वो वॉल के लिए डिज़ाइन हुआ है, चाहे वो इक्विपमेंट के लिए हुआ है, मैं नॉट ओनली इंडस्ट्रियल पेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, दीवारों पे जो पेंट लग रहा है उसकी भी बात कर रहा हूँ। जब भी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के हिसाब से उसमें बहुत सारे एजेंट डलते हैं, एडिटिव्स डलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटी सीसिंग हो गया, एंटी डस्ट हो गया, एंटी पॉपिंग हो गया, एंटी चिप ऑफ हो गया। ये बहुत सारे एडिटिव्स को एक निश्चित अनुपात में मिला के तैयार किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए, प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, ताकि उसमें अनिवन जो फेलियर्स हैं वो ना आ सकें। उसके बाद आता है सॉल्वेंट। चौथा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या काम होता है? सॉल्वेंट इट गिव्स फ्लो टू पेंट। ये पेंट को क्या बेसिकली फ्लो दे रहा है। अब जब भी आप एक बड़े मशीन में या ग्राइंडर में इसको मिक्स करेंगे तो ये तीन चीज़ें मिक्स हो गई, तो चौथा उसको जब विस्कोसिटी को डाउन करना है या उसको थोड़ा पतला करना है, लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, तो उसको प्रॉपर्टी को या उसके बेसिकली उसकी लिक्विडनेस को बढ़ाने के लिए हम उसमें सॉल्वेंट डालते हैं ताकि पेंट का बहाव बन सके। तो इन चार चीज़ों के मिश्रण से बेसिकली पेंट बनता है। तो आज के इस टॉपिक में बेसिकली हमने बेसिक्स ऑफ पेंट के बारे में जाना है। पेंट की एप्लीकेशंस कहाँ पे हो रही हैं? शीट मेटल पे हो रही हैं, एबीएस पे हो रही हैं, या वॉल पे हो रही हैं, उस हिसाब से, उसके एप्लीकेशन के हिसाब से ही मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि इसमें कितना पतला रखना है, इसको कितना गाढ़ा रखा जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है एप्लीकेशंस के ऊपर। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, ताकि जो हमारी ये नॉलेज है ये हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उसकी जो सीखने का जो लर्निंग है उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथन मिल सके और जल्दी कैचअप हो सके। धन्यवाद।